अगर उन्होंने डेफने को मारा तो नहीं मारेंगे, उनके सामने मैं खड़ा हूंगा। मैं, ये इतना आसान नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो तुम। जाओ तुम अभी घर जाओ अपने, बाद में मिलते हैं हम। मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊं, वो मेरी बीवी है। बीवी बहनोई साहब, उसका ख्याल मैं रखूंगा, मैं समझे, मैं उसका भाई हूं। अगर दादी जान की ये कंडीशन नहीं होती तो मैं सब कुछ तबाह कर देता, समझे। देखो तुम ले जाना उसे, ले जाना। एक बार दादी ठीक हो जाए तुम उसे ले जाना यालिन, लेकिन अभी जाओ, समझो। मैं कोई रास्ता सोचता हूं फिर, जब तक तुम मेरी डफने का ख्याल रखना और अपना भी। हाँ यार मैं समझ गया, अब जाओ, मैंने कहा ख्याल रखूंगा, आ जाना, कोई रास्ता निकाल लेंगे। कुछ तो करूंगा मैं। हाँ पता है मुझे, लेकिन हमें बहुत देर हो गई ढूंढने में। किसी ने भी अभी तक मुझे मनाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की है, मैं नाराज हूं। कोई इज्जत ही नहीं। उफ, अल्लाह जाने बेचारा किस हाल में होगा, कितनी जोर से मारा था उसे। मगर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तीन भाइयों की बहन हूं मैं, और मेरी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल भी आसान बात नहीं। ठीक हो ना? ठीक हूं मैं बिल्कुल, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम बहुत अच्छी हो मेरी जान, एक बार फिर कहो ना। नहीं अब कुछ वैसा नहीं होगा, ठीक है? क्यों, अब क्या हमारे पर लग चुके हैं बताओ? हाँ बस हवा का रुख देखो, उड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, अब हमारी शादी हो चुकी है। बस यही। हमने शादी जरूर कर ली है, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले डेफने। मैं अब भी खिड़की से आया हूं। यालन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए तो छोटी सी बात है, लेकिन बहुत खास भी है, क्योंकि यही बात तो हमें दूसरे कपल से अलग बनाती है। किसका हस्बैंड अपनी बीवी से खिड़की के रास्ते मिलने के लिए आता होगा, किसी का नहीं। मेरी प्यारी बीवी, मेरी जान की टोटी डेफने, पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शायद मैं डिजर्व नहीं करती हूँ यार, मेरे भाई जितने ज्यादा खड़ूस है, मेरा हस्बैंड उतना ही बड़ा बुद्धू है। और मैं उतना ही ज्यादा बोलती भी हूँ, ये भी बोलो ना मेरी जान। कभी भी नहीं, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं कि अपनी बुराई अपने मुंह से करूं। दादी जान ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, जरूर। हम भाई को मना लेंगे इंशाल्लाह, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम परेशान मत होना, ठीक है? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है डेफने? भाई मैंने कोई गलती नहीं की है।
वाकई में उस लड़के के साथ भागी तुम, इतने दिन तक घर में वापस नहीं आई और घर आकर कह रही हो मुझे उस लड़के से शादी करनी है और साथ ही ये कह रही हो कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। भाई जब यालन आपके साथ था तो उसने आपको बताया था कि वो मुझे चाहता है, आपकी रजामंदी चाहते थे ताकि कोई गलती ना करे। उस लड़के ने मुझसे तराबसोर में मिलकर ऐसी कोई भी बात नहीं की, कहा डैफने से प्यार करता हूँ तो सोचा इस बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं उसे उस वक्त वही दफन करने वाला था समझ रही हो तुम, लेकिन तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करती हो इसलिए छोड़ दिया, और फिर क्या हुआ, उसने तुम्हें छोड़ दिया, कहा कि वो अपनी माँ की वजह से हट हुआ है। इसमें डैफने की गलती थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो वहां भी खत्म कर सकता था मगर नहीं किया। वो सिनान की शादी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर आया, हम सबके सामने उसके साथ डांस किया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मैं जेलिस हो जाऊं। मुझे मत बताओ, क्योंकि मुझे अहमकाना चीजों की हर किस परवाह नहीं है। उस वक्त तुम्हारी क्या औकात थी, हाँ? उसने क्या किया? और फिर मेरे अपने घर से, वो मेरे ही घर से तुम्हें अगवा करके ले गया, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल, मेरा दिमाग घूम जाएगा ये सोच सोच करके उसने मेरे ही घर से तुम्हें अगवा कर लिया। मैं जाकर देख कर आती हूँ, आती हूँ। और फिर इसी घर में उसको वापस लेकर आ गए ये बोलते हुए कि उससे शादी कर लोगी। मुझसे ऐसी तवक्को हर किस्मत रखना कि मैं किसी ऐसे शख्स से तुम्हारी शादी कर दूं जिससे तुम्हारा दिल दुखाया और मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारे साथ ये किया, जिसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाई, क्या तुम उसे माफ कर दोगी? बताओ मुझे, हाँ? ये वक्त तो सबकी जिंदगी में आता है तुफैल, कि जो आपको अपनी नजरों से गिरा दे आप उसी को उठा के अपनी पलकों पे बिठा लो, और मुझ पर तो ये वक्त बहुत बार आया है। क्या मतलब है तुम्हारा लैला? मेरा मतलब है कि इश्क उस बच्चे की तरह होती है जो माँ के मारने पर भी, उसके डांटने पर भी अपनी माँ के पास ही जाए। क्या मैं सच नहीं कह रही? हम लाख बार रोए लेकिन फिर भी एक दूसरे की तरफ ही जाते हैं, ये सब समझना कितना मुश्किल है। तो तुम उसे हमारी तरह बनाना चाहती हो लैला, कि वो सारी जिंदगी पछताती रहे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया? पछताने की क्या बात है इसमें? हर शख्स हर्ट होता है, हर इंसान को दुख होता है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि यालन बहुत समझदार इंसान है, मेरी हर गलती माफ करता है। यालन अंडरस्टैंडिंग है। नहीं डेफिनेटली, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन को अपने हाथों से जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। और तुम कुछ भूल रही हो लैला, इसे एक आरास से प्यार हुआ है, वो हमारी तरह नहीं है, वो अपने प्यारों की हिफाजत नहीं कर सकते। दानिश आरास को ही देखो क्या किया, उसने एस्की से जान छुड़वाई क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, और फिर देखो उसने दानिया को अपने प्यार में फंसाकर प्रेग्नेंट कर दिया। कोई भी औरत या तुम लोग आरास से बेवकूफ बन सकते हो, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं बन सकता। अब कोई भी मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में नहीं दाखिल होगा, समझ गई ना? और तुम भी उस वक्त तक कमरे में बंद रहोगी जब तक उस शख्स का ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं देती। लैला ये क्या ड्रामा है?